बिग अपडेट सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाले जी को लेकर। जी हाँ, ऐसी खबर जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जहां इतना ज्यादा गम का माहौल बना हुआ है, वहीं एक खुशखबरी जो है सिद्धू मूसेवाले जी को लेकर आई है। जी हाँ, फेवरेट पर्सनालिटी अवार्ड जो है सिद्धू मूसेवाले जी के नाम जाने वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सिद्धू मूसेवाले जी भले ही इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन अपने गानों के माध्यम से अभी भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं, उन्होंने बना रखा है। उनके 295 सॉन्ग, जी हाँ, मुसीबत मरदा तब पहनती रहती है, 295 सॉन्ग जो कि मैंने अभी आपको शुरू में सुनवाया है, ये बच्चे बच्चे की जुबान पर है। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि YouTube पर आपको बता दे इस वक्त भी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। और जितने व्यू मिले हैं सिद्धू मूसेवाले जी को, जितने प्यार मिला है इस गाने को, उसे लेकर सिद्धू मूसेवाला जी को जो है फेवरेट पर्सनैलिटी अवार्ड जो है मिलने वाला है, जिसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है इस वक्त सोशल मीडिया पर। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखिए और पढ़िए। इस स्क्रीनशॉट में साफ तौर पे लिखा हुआ है, जो भी सिद्धू मूसेवाला जी का गाना था वो अपने आप में इतना ज्यादा वायरल हुआ, इतना ज्यादा फैंस ने प्यार दिया, कहना ही क्या। आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो अपने आप में भावुक कर देता है, ये साफ स्क्रीनशॉट हुआ है कि सिद्धू मूसेवाले जी के गाने जो है ढाका में बजने लगा। जी वैगन पर बैठकर सिद्धू मूसेवाले जी ने ऐसी उड़ान भरी कि उनका भाषण एक शीर्ष नारा बनने लगा। और तोचन के प्रेमी सिद्धू ने इतना भंबिया बोल दिया कि उनका नाम पूरी दुनिया में डॉलर के रूप में जाना जाने लगा। और कैरियर जो उनका हाई पॉइंट पर पहुंचा, जब उन्होंने फेम की ऊंचाई को छूने की कोशिश की तो डॉक्टर पर पहुंच गए और हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम होने लगा और वापस वो दोबारा नहीं आए। विवादों में रहने वाला 295 गाना जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है इस वक्त, और फैंस खूब प्यार दे रहे हैं अभी भी। हर सर्च लिस्ट में जो है, गूगल हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, इस वक्त जो है 295 सॉन्ग को ही सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। और सबसे सर्च लिस्ट में इस वक्त जो नाम है, सिद्धू मूसेवाले का नाम है। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला जी ने जब अपनी मौत से पहले, हत्या से पहले द लास्ट राइड सॉन्ग गाया तो उसके बाद उनकी मौत ही आ गई। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला जी एक ऐसे इंसान बन गए जो कम उम्र में इतने ज्यादा गाना तो गाया ही उन्होंने, साथ ही साथ सच्चाई बेस्ड गाना गाया, विवादों से भरे हुए गाने गाए जो अपने आप में दिल को छू लेते हैं। खासतौर पे डियर मॉम सॉन्ग, 295 सॉन्ग, द लास्ट राइड सॉन्ग, जो भी इस गाने को सुनता है वो मोटिवेट तो होता ही, साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाले जी का फैन भी बन जाता है। उनकी हत्या के बाद जो भी लोग उन्हें नहीं जानते थे वो भी जानने लगे हैं, और इस वक्त बच्चा बच्चा और बूढ़े हर किसी के जुबान पे यही है कि जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। हर कोई सामने आकर सिद्धू मूसेवाले के लिए जो है कदम उठा रहा है, उनकी जस्टिस के लिए। साथ ही इतना ही नहीं, इंग्लैंड से एक फैन आया सिद्धू मूसेवाले जी के पेरेंट्स के लिए, बादाम लेकर आया स्पेशल। और जैसे ही उस फैंस को यह पता चला कि सिद्धू के पिता इस वक्त जो है बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो बादाम स्पेशल जो है इंग्लैंड से लेकर आया और सिद्धू की हवेली पर पहुंचा सबसे पहले, और सिद्धू के माता पिता के पैरों में गिर गया और आशीर्वाद लिया। ऐसा उसे प्रतीत हुआ जैसे कि सिद्धू मूसेवाला ही साक्षात खड़े हैं और उनके गले लग रहे हैं। जब वो पिता के गले लगे तो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया वो फैन। अपने आप में प्रशंसनीय है जो इस फैंस ने किया है सिद्धू मूसेवाले जी के लिए, और फैंस हो तो सिद्धू मूसेवाला जैसे हो बिल्कुल, क्योंकि कुछ कॉमेंट्स जो हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अपने आप में बताता है कि सिद्धू मूसेवाला जी से लोग कितना प्यार करते हैं। फेवरेट पर्सनैलिटी अवार्ड जो है सिद्धू मूसेवाले जी को दिया जाएगा और इसी महीने में इसकी घोषणा भी की जाएगी। अवार्ड जो है सिद्धू मूसेवाले जी के नाम होगा। वेल, सिद्धू मूसेवाले जी को तो ये बाद में मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही सिद्धू मूसेवाले जी इस दुनिया में ना रहते हुए भी अपने नाम जो है डायमंड प्ले बटन जरूर कर लिया है, जो उन्होंने अपने बलबूते पर किया है। और पर्सनैलिटी अवार्ड जो है, फेवरेट पर्सनैलिटी अवार्ड, वो भी सिद्धू मूसेवाले जी के मेहनत और लगन की वजह से जो है उन्हें दिया जाएगा। उनके माता पिता को बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा और उनके हाथ में जो उनके बेटे के नाम का फेवरेट पर्सनालिटी अवार्ड दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सिद्धू मूसेवाला जी ना रहते हुए भी बहुत ज़्यादा चर्चे में हमेशा रहेंगे, ताउम्र रहेंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी गए नहीं हैं, यही हैं हम सभी के बीच। सिद्धू मूसेवाला जी अपने गानों के माध्यम से जीवित रहेंगे और उनके माता पिता ने साफ तौर पर कहा है कि 30 से 40 साल तो कम से कम मैं अपने बेटे को जरूर जीवित रखने की कोशिश करूंगी। और जो लोग उनके गाने को लीक कर रहे हैं उनके खिलाफ माता पिता ने कड़ा जो है फैसला लिया है, कदम उठाया है और उन्होंने FIR भी दर्ज कराया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ
ऐसे कमीने लोग हैं, वाहियात लोग हैं जो सिद्धू मूसेवाले जी के गाने को लीक कर रहे हैं लगातार और माता पिता को परेशान कर रहे हैं। तो हम उन लोगों से जो है रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि कृपया करके ऐसी हरकतें ना करें जिससे सिद्धू के पेरेंट्स इस वक्त परेशान हो रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले जी बड़े ही शिद्दत और लगन और मेहनत के साथ जो है अपने गाने को लिख कर गए हैं एक एक शब्दों को, और सिद्धू के पिता जो है माता जो है उन्होंने हाथ जोड़ कर विनती की है कि कृपया करके गाने ना लीक करें, हम परेशान हो रहे हैं, हम दो दो चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, हमारे ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा परेशानी है, एक तरफ हमें धमकियां मिल रही है, दूसरी तरफ हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, हम किधर किधर दौड़ेंगे। तो ऐसे में जो है एक ही उन्होंने रिक्वेस्ट की है फैन से कि आप उन गानों को देखिए ही मत, जब भी मुझे अपने बेटे का गाना रिलीज करना होगा तो उसके ऑफिशियल जो है चैनल पे रिलीज होगा, जो कि यूट्यूब चैनल पे है, सिद्धू मूसेवाले जी के नाम से यूट्यूब चैनल है उनका, उसी पर रिलीज किया जाएगा जब भी होगा। और उनके माता पिता ने यह कहा है कि मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, हमारे पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, मेरा बेटा इतना देकर गया है कि मुझे ना तो मांगने की जरूरत है और ना अपने बेटे के गानों को बेचने की जरूरत है। तो ऐसा कोई अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना लाए कि मैं उसके गानों को बेचूंगा या बेचूंगी। उनके माता पिता ने साफ तौर पर यह बात जो है क्लियर किया है कि उसके कोई गाने नहीं बेचे जाएंगे क्योंकि मेरे अपने बेटे को जो है सिर्फ गानों के माध्यम से तो ही जीवित रखूंगी, तो उसके गाने बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे हम, चाहे मैं कितने करोड़ रुपए क्यों ना दिए जाए। और सिद्धू ने एक एक गाने बहुत ही मेहनत और प्यार से लिख कर गया है, तो मैं उस गाने को जो है एडिट करवा कर बहुत जल्द रिलीज करेंगे। लेकिन जब तक सिद्धू को जस्टिस नहीं मिल जाता, हम इन कामों में अभी उलझे हुए हैं, तो जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक जो है कोई भी गाना अभी हम रिलीज नहीं कर सकते। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि SYL सॉन्ग को लेकर कितना बड़ा विवाद हुआ, हालांकि विदेशों में सिद्धू मूसेवाले जी को प्यार मिल रहा है उस गाने को, लेकिन जब इंडिया में रिलीज किया गया तो उसे बैन कर दिया गया दो दिन के अंदर ही, और दो दिन में जितना प्यार दिया इंडिया के अंदर फैंस ने वो अपने आप में चकित करने वाला था। तो ऐसे में अगला कोई और गाना आता है सिद्धू मूसेवाला जी का तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, उनको फिर से प्यार मिलेगा वही, और उनका प्यार जो है फैंस जो उनसे प्यार करते हैं वो कभी भी कम नहीं होने वाला है। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला जी के लिए एक सिंगर ने जो है जैनी ने गाया था गाना, उसे भी उस पर भी FIR हो गया, जो कि लेटर टू CM सॉन्ग करके गाया, और उसमें एक एक बात जो थी सच्ची थी, कई सारे सवाल जो थे वो सिद्धू मूसेवाले जी को लेकर भगवंत मान से पूछे गए थे, और ऐसे में जो है उस गाने को भी बैन कर दिया गया और उस गायिका पर भी, पंजाबी गायिका जैनी पर भी जो है FIR कर दिया गया। ऐसे में माँ पिता ने दोनों ने बोला कि अगर ये गायिका गई जेल के अंदर तो हम भी जाएंगे उसके साथ, हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो सिद्धू के पेरेंट्स जो है लगातार फैंस के साथ डटकर खड़े हैं, किसी के साथ भी नाइंसाफी होती है तो वो डटकर खड़े हैं। और ऐसे में सिद्धू मूसेवाला जी जितने ज्यादा अच्छे थे, गरीबों के लिए किया करते थे, अपने फैंस के लिए किया करते थे, उसी प्रकार से माता पिता भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बेटे के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में लगातार फैंस भी साथ दे रहे हैं। लेकिन अपने आप में खुशी की बात तो ये है कि फेवरेट पर्सनैलिटी अवार्ड जो है सिद्धू मूसेवाला जी को जाने वाला है, और इसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वेल, कैसा लगा आपको जानकर जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ ही दोस्तों #JusticeForSiddhuMoosewalaji जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है सिद्धू के पेरेंट्स को, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी पोस्ट करे #JusticeForSiddhuMoosewala जरूर लिखे